नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल क्लासेस में। देखिए, आईटीआई और ट्वेल्थ वालों के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग की तरफ से एक बहुत ही बढ़िया वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया हुआ है। देखिए, आजकल आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि और किसी विभाग से किसी और के लिए, जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएशन के लिए वैकेंसी आए या ना आए, लेकिन आईटीआई वालों के लिए हर विभाग से वैकेंसी निकल के आ रही है। आईटीआई वालों के लिए देखा जाए तो 2024 में इतना बढ़िया ऑफर हर कंपनी से, हर अंडरटेकिंग कंपनी से, हर स्थान से, हर फील्ड से एक मौका मिल रहा है। बस आपकी तैयारी जबरदस्त होनी चाहिए, नौकरी आपके सामने खड़ी है। तो आज हम उसी के संदर्भ में बात करने वाले हैं। एक फुल नोटिफिकेशन है हमारे पास IREL, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंडरटेकिंग है। और एटॉमिक एनर्जी के, ये जो एटॉमिक एनर्जी होता है, परमाणु ऊर्जा विभाग होता है, यही एक इसी डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये IREL आती है। ठीक है, तो इसमें जितने भी आपके लिए एक नोटिफिकेशन के उद्देश्य से बातें जरूरी होती है, जैसे कि क्या योग्यता मांगा गया है, इस पे क्या एक्सपीरियंस चाहिए या फिर नहीं चाहिए, है ना, और क्या आप ट्वेल्थ से हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे या नहीं करेंगे, इस पे भी बात करेंगे। सिलेबस क्या होता है, एग्जाम पैटर्न्स क्या होते हैं, एज लिमिट यानी कि एज में कितना एज लिमिट इसका रखा गया है, है ना, और किस किस प्रकार से आपका स्किल टेस्ट होगा, कैसे सीबीटी होंगे, क्या क्या पूछा जाएगा, इन सभी पर हम बात करेंगे। बस 10-12 मिनट की ये वीडियो होने वाली है, इसको आप देख लीजिएगा, है ना, क्योंकि आजकल तो ऐसे भी लोग हैं जो रील्स हो या शॉर्ट्स वीडियो हो, घंटों उसको देखते देखते बिता देते हैं। बस आपके लिए एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होगा ये, इसको जरूर देखिएगा और फॉर्म को हो सके तो आप अप्लाई जरूर करना। बहुत ही बढ़िया कंपनी है, देखिए दोस्तों, परमाणु ऊर्जा विभाग की है, और इसमें देखा जाए तो सैलरी भी बहुत अच्छी देती है ये कंपनी, है ना। तो सबसे पहले IREL, है ना, ये भारत सरकार का एक उपक्रम है, परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत ही आती है। ये है आपका एडवर्टीज नंबर, है ना, जो कि कई बार हमसे ये भी पूछा जाता है कि रेगुलर बेसिस पे ये जॉब है या फिर नहीं है। तो जो रेगुलर बेसिस पे जॉब होता है उसी का नोटिफिकेशन मैं आपको देता हूं। अगर मैं या कि निमी टेक्निकल क्लासेस में जो भी आपको नोटिफिकेशन पढ़ाया या दिखाया जाता है, उसको आप बिल्कुल ये सोचिए कि वो रेगुलर ही है जॉब, इसीलिए मैं उसका नोटिफिकेशन आपके सामने लेकर के आया हूँ। और यहाँ पर लिखा भी है कि ट्रेड्समैन ट्रेनी के नाम से यहाँ पर आपको पोस्टिंग मिलेगी, जो कि ऑन रेगुलर बेसिस पे ये आपका जॉब रहने वाला है। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ गई। इसके बाद देखिए, फॉर्म अप्लाई करने का जो डेट है ना, ये देखिए फॉर्म अप्लाई करने का जो इम्पोर्टेंट डेट है, स्टार्ट हो चुकी है फॉर्म अप्लाई होना। आप देखिए गौर से, 23 फरवरी 2024 से ही फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है। इसका लिंक विंक वगैरह जो है सब एक्टिव हो चुकी है, है ना। कैसे फॉर्म अप्लाई करना है उस पर भी हम थोड़ा सा बात करेंगे, बट एंड में करेंगे। और कब तक फॉर्म अप्लाई होना है, देखिए आपका 15 मार्च 2024 है ना, वही कितना हो रहा है, 20-22 दिन है, इतने दिन के अंदर आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। लेकिन फॉर्म तो अप्लाई आप तभी करेंगे जब क्राइटेरिया आप समझेंगे, है ना। तो देखिए क्या है क्राइटेरिया, क्या है क्राइटेरिया और किस किस पोस्ट पर कहां कहां वैकेंसी आई हुई है। देखिए यहां पर दिया गया आपका पोस्ट का नाम, है ना, यहां पर है ये, देखिए बेसिकली आपका क्या दिया हुआ है, ये पोस्ट कोड है ना, समझिएगा चीजों को, ये पोस्ट कोड है PC1, पोस्ट कोड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक, यानी कि 12 यहाँ पोस्ट कोड है। और ये आपका दिया है लोकेशन, समझिएगा चीज़ों को कि कितने लोकेशन में यहाँ पर जॉब है ना। देखिए लोकेशन फर्स्ट, लोकेशन वन क्या है, ओडिशा, लोकेशन सेकेंड है केरला, लोकेशन थर्ड है देखिए यहाँ पर तमिल, और लोकेशन फोर्थ है भोपाल, जो कि अपने MP के अंदर है भोपाल, और लोकेशन फिफ्थ है यहां पर आंध्र प्रदेश। तो 5 लोकेशन में आपको यहां पर यह सर्विस मिलेगी, 5 लोकेशन में, कहीं पर भी जिस लोकेशन के अंदर आप फॉर्म अप्लाई करेंगे उसी लोकेशन में आपको फॉर्म मतलब कि जॉब मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि लोकेशन
फर्स्ट में आप ओडिशा के स्टूडेंट्स हैं और आप लोकेशन यू समझिए कि 4 में फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो आपको लोकेशन 4 में ही मिलेगा, आपको लोकेशन 1 में नहीं मिलेगी जॉब, है ना। इसको फॉर्म अप्लाई करते समय ज़रूर भरना। और इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको बहुत ध्यान रखना है इसमें फॉर्म अप्लाई करते समय, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पर देखा जाए तो पोस्ट कोड फर्स्ट किसके लिए है, ट्रेड्समैन ट्रेनी, जो कि आपका पोस्ट का नाम होगा, आईटी फिटर के लिए टोटल 13 सीटें हैं, है ना, और आईटी इलेक्ट्रीशियन के लिए टोटल 12 सीटें हैं। ध्यान दीजिएगा, 13 फिटर के लिए, इलेक्ट्रीशियन के लिए 12, ठीक है। फिर यहाँ पर हम क्वालिफिकेशन पे भी बात करेंगे कि क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, एज लिमिट कितना है, स्टाइपेंडेड ट्रेनिंग का ड्यूरेशन कितना है, स्केल पे कितना है, उस पर भी बात करेंगे। फिर देखिए, पोस्ट कोड 2 में कितना है, 12। पोस्ट कोड 3 जो है ये केरला, यानी कि लोकेशन सेकेंड की ये जॉब है। PC3 जो है ये फिटर के लिए, इसमें टोटल 15 सीटें हैं। पोस्ट कोड 4 जो है इसमें क्या है कि आईटी अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट, है ना, इसमें एक पोस्ट है, याद रखिएगा इसमें केवल सिंगल पोस्ट है। फिर आपका आ जाइए लोकेशन 3 में, जो कि तमिलनाडु के लिए है। इसमें पोस्ट कोड 5 में टोटल 14 सीट है फिटर के लिए, आईटी फिटर के लिए। पोस्ट कोड 6 में आईटी इलेक्ट्रीशियन के लिए ओनली 2 पोस्ट पर वैकेंसी है, ठीक है ना। कितना है, 2 पदों पर वैकेंसी है। अगर आपकी तैयारी ना मेरे भाई बिल्कुल नेक्स्ट लेवल की है, तो आपके लिए कोई मायने नहीं रखता, आप 2 पोस्ट पे भी जॉब ले सकते हैं, है ना। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी कितना स्ट्रांग है, ठीक है। ये 2 पोस्ट हो गया। फिर देखिए, पोस्ट कोड 7 जो है ये भोपाल के अंतर्गत आती है, और भोपाल में टोटल पोस्ट कोड 3 है। कौन कितने हैं, 3 पोस्ट कोड, 7, 8, 9। 7 में फिटर के लिए 2 पद हैं, और 8 में इलेक्ट्रीशियन के लिए 1 पद है, और 9 में आपका आईटी अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट के लिए है टोटल 2 पोस्ट, है ना। फिर थोड़ा सा इसको और ऊपर किया जाए तो यहाँ पर देखा जाए तो देखिए, पोस्ट कोड जो है 10 से 12 तक है, लोकेशन 5 के अंतर्गत आएगी, जो कि आंध्र प्रदेश लोकेशन है, है ना, लोकेशन आंध्र प्रदेश। पोस्ट कोड 10, ये आईटी फिटर के लिए 2 पद हैं यहाँ पर। 11 में है आपका आईटी इलेक्ट्रीशियन के लिए सिंगल पद है, और पोस्ट कोड 12 के लिए है यहाँ पर 2 पोस्ट, है ना, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन पे, है ना, थोड़ा सा क्वालिफिकेशन पे बात करेंगे। क्वालिफिकेशन चलिए थोड़ा सा आगे हम बात करेंगे, वहाँ पर ज़्यादा अच्छे से आपको डिटेल में दिया गया है। एज लिमिट पे बात करते हैं, तो 35 वर्ष आपका मैक्सिमम होना चाहिए एज लिमिट, यानी कि 18 से 35 ईयर, है ना, अनरिजर्व वाले विद्यार्थियों के लिए। आपको पता है कि भारत देश में हमारे जो अनरिजर्व के विद्यार्थी होते हैं, अनरिजर्व कोटा में आने वाले, उनको रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। जितना मैक्सिमम है वही उसका सब कुछ यू समझिए मिला करके, रिलैक्सेशन वगैरह मिला करके दिया गया है ना, हालांकि कोई रिलैक्सेशन इनको नहीं मिलता है। बट जिन कैंडिडेट को रिलैक्सेशन मिलता है, जैसे कि ST, SC, EWS, है ना, OBC, तो इनको कितना मिलता है, ST हो और SC हो तो इनको 5 ईयर का, यानी कि 5 + 35 मिला के 40 साल, कितना, 40 साल के आप हो गए हैं तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। 40 साल में तो लोगों की शादी वादी सब हो जाती है, अपना घर परिवार खुद का भी बस जाता है, बट एक मौका है आपके लिए। अगर आपके अंदर है जुनून, अभी आप हो चुके हैं 35-40 वर्ष के, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, है ना। ये तो आप पे ही डिपेंड करता है, देखिए कि आप 40 वर्ष के हैं कि 35 वर्ष के हैं। अन्यथा तो जो स्टूडेंट्स अभी तैयारी कर रहे हैं वो तो फॉर्म को अप्लाई करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उनके लिए एक बेस्ट ऑफर है, है ना। वहीं पर जो OBC के विद्यार्थी हैं उनको 3 वर्ष का रिलैक्सेशन मिलेगा, और 35 + 3 हो जाएगा 38 ईयर, कितना, 38 ईयर, है ना। ST SC कैंडिडेट 40 वर्ष तक, OBC कैंडिडेट्स 38 वर्ष तक, 38 ईयर्स तक फॉर्म को अप्लाई करेंगे, है ना। ये एज लिमिट है, देखिए ये इनका लिमिटेशन है एज का।
और स्टाइपेंडी ट्रेनी है ना, स्टाइपेंडी ट्रेनी का ड्यूरेशन कितना रहने वाला है? तो यहाँ पर ड्यूरेशन तो नहीं दिया गया है, आगे दिया होगा तो मैं ज़रूर बताऊँगा, बट यहाँ पर देखिए आपको सैलरी ज़रूर दिया गया है, कंसीडर किया गया है सैलरी 20,000 पर मंथ है ना, 20,000 पर मंथ। और एक बात ध्यान रखिए कि कोई सा भी जॉब हो, किसी भी लोकेशन, किसी भी प्लांट हो, किसी भी प्लांट में आपकी जॉब लगती हो, तो जिस टाइम पर आपका ट्रेनिंग चलता रहता है ना, उस टाइम पे जो सैलरी मिलती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ बेसिक होती है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई अलाउंसेस नहीं मिलता आपको। जैसे हाउस रेंट अलाउंसेस हो गया, डियरनेस अलाउंसेस हो गया है ना, कोई अलाउंसेस नहीं मिलता। बस आपको मेडिकल की सुविधा जरूर मिलती है, क्योंकि ट्रेनिंग के दरमियान भी अगर आपको कोई चोट वगैरह कुछ भी हो जाता है तो मेडिकल का सुविधा मिल जाता है ना, बाकी आपको और कोई सुविधाएँ नहीं मिलती है, ठीक है। पर मंथ 20,000 सैलरी आपको मिलेगी। और यहाँ पर इसके बाद की सैलरी है ना, पे स्केल आफ्टर ट्रेनिंग के बाद आपको 22,000 रुपये पर मंथ। अब इस पे क्या क्या मिलेगा वो सुनिए, आपको मिलेगा हाउस रेंट अलाउंसेस, आपको मिलेगा डियरनेस अलाउंसेस, मेडिकल अलाउंसेस है ना, ये सारे अलाउंसेस। और इसके बाद जैसे कंपनी में क्या होता है कि रूल्स चेंज होते रहते, ऐसे थोड़ी होता है कि कंपनी जब इस्टेब्लिश हुई तो उस टाइम पे जो रूल्स बनाया गया वही रूल्स हमेशा लागू होगा, ऐसा नहीं, नया नया रूल्स, नए नए नियम बनाती रहती है कंपनी है ना, तो जो भी रूल्स रेगुलेशन आएगा वो सब फिर आप पे लागू होगा, आप पे ऐड होगा। तो फिलहाल अभी तो इतना ही आपको मिलेगा, और इन सब को मिला करके देखिए ये जो 22,000 है ना, ये अप्रॉक्सीमेटली मैं आपको बता रहा हूँ कि 30,000 सैलरी आपको मिल सकती है ना, 30,000 सैलरी, 28,000 से लेकर के 30,000 सैलरी आपको बड़े आराम से मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, और सुविधाएं जो मिल रही है वो तो मिलेंगी ही है ना। तो ये हो गया, और मैक्सिमम 88,000 है ना, मैक्सिमम 88,000, यूँ समझिए कि एंड तक में आपको लाख रुपए सैलरी मिल सकती है अप्रॉक्सीमेटली। ये हो गया, और यहीं पर देखिए कि आपका W3 ग्रेड लगाया जाएगा है ना, ग्रेड भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ें तब मायने रखती है जब आपकी जॉब लग जाती है ना, लेकिन बहुत से विद्यार्थी इतना कॉन्फिडेंट होते हैं कि नहीं सर, हमें सब कुछ पता होना चाहिए, हम तो इसमें जॉब ले ही लेंगे, चाहे किसी भी प्रकार से ले है ना, वो एक अलग बात है। देखिए यहाँ पर एक बात और मैं कहना चाहूँगा आपको कि जब भी आप फॉर्म अप्लाई करें, यहाँ पर बोल रखा है कि एक कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर एनी वन लोकेशन और वन पोस्ट, यानी कि एक ही लोकेशन में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लोकेशन 5 लोकेशन पर जॉब है, किसी भी एक ही लोकेशन में फॉर्म अप्लाई कीजिएगा और एक ही पोस्ट पर फॉर्म अप्लाई कीजिएगा है ना, ऐसी बात है, याद रखिएगा, एक पोस्ट एक लोकेशन सिंगल पोस्ट पर ही आपको नौकरी मिलेगी। अगर यहाँ पर आप मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करते हैं ना, तो फिर आपका ये जो फॉर्म है ना, इसको कैंसिल कर दिया जा सकता है, रद्द किया जा सकता है, और आप इधर वेट किए रहेंगे और पता चलेगा सबका एडमिट कार्ड आ गया एग्जाम के लिए, आपका एडमिट कार्ड ही नहीं आया है ना, तो ये गलती आपको कभी नहीं करना है। इस फॉर्म के लिए नहीं, मैं किसी भी फॉर्म के लिए नहीं कहूँगा कि आप एक से ज़्यादा, हाँ रेलवे की बात अलग है, रेलवे की बात अलग है ना, तो वहाँ पर देखिए फिर उसी हिसाब से बात भी करेंगे। ये रही देखिए आपको जो अलाउंसेस मिलने वाला है ना, वो ग्रेड के रेगुलर ग्रेड पे जब आपको मिलने लगेगा, उस समय का अलाउंसेस देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि W3 ग्रेड जो है इसके साथ में, W3 ग्रेड बेसिक के साथ में, देखिए ये रहा एडिशनल बेसिक के साथ में, और क्या क्या ऐड होगा, इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस, इसके बाद हाउस रेंट अलाउंस एंड अदर अलाउंसेस बेनिफिट है ना, एप्लीकेबल एज पर कंपनी रूल्स इन फोर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, जिस जैसे कि टाइम टू टाइम ये कंपनी अपना रूल्स एप्लीकेबल करती जाएगी, वैसे वैसे आपको भी ये उस रूल्स का सुविधाएं, उस रूल्स का जो भी होगा वो सब कुछ मिलेगा आपको, यूँ समझिए है ना। चलिए थोड़ा सा और आगे ले चलता हूँ, वीडियो को लाइक जरूर करते रहना ना मेरे साथियों, बहुत ही अच्छी जानकारी आपको दे रहा हूँ है ना, बहुत ही बढ़िया जानकारी दे रहा हूँ, इसलिए आप जरूर वीडियो को शेयर कीजिएगा। यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मस्त दिया गया है, आप इसको समझिएगा थोड़ा सा ना, समझिएगा, अपना अपना समझते रहिएगा। आप फिटर के स्टूडेंट हैं तो फिटर के बारे में सुनिए, इलेक्ट्रीशियन के तो इलेक्ट्रीशियन के बारे में सुनिए है ना। सुनिए यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है कि आपके पास ITI होना चाहिए, ITI होना चाहिए
फिटर से आईटीआई हो या इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई हो, आप एलिजिबल हो जाएंगे। पोस्ट में मैंने पहले ही बता दिया है, अगर आपके पास आईटीआई नहीं ना भाई साहब तो कोई दिक्कत मत लीजिए, यहाँ पर आपके पास एनएससी होना चाहिए, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, जो कि 10th के बाद आप डायरेक्ट कर सकते हैं। एनसीएल कराती है, कोल माइंस कंपनी कराती है, इसमें किसी भी प्रकार का ना कोई आईटीआई करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं 10th के बाद। और ये वाला जो अप्रेंटिसशिप है ना, 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस। अब मैं आपको एक और मजेदार बात बता रहा हूं, अभी गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली की तरफ से, दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन निकाला गया, अभी तुरंत की बात कर रहा हूं मैं, अभी रिसेंटली 2-4 दिन पहले की बात कर रहा हूं, शायद 21-21 का है वो नोटिस। उसमें कहा गया है कि भैया अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया है ना, 6 महीने का किया है या फिर 1 साल का किया है या 2 साल का किया है, तो अब क्या होगा, 19 फरवरी 2024 से एक उन्होंने एक रूल्स जारी किया है कि भाई अगर आपने 2 साल का अप्रेंटिसशिप किया है तो वो 2 साल का एज ए एक्सपीरियंस के रूप में काउंट होगा, और जहां पर भी आप फॉर्म अप्लाई करेंगे वहां पर ये बोला गया है कि 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए या 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो 1 साल का आपका अप्रेंटिसशिप है तो आप उसको वहां पर एप्लीकेबल यानी कि इस्तेमाल में उस सर्टिफिकेट को ले सकते हैं। मैंने उसका प्रॉपर वीडियो भी आपको दिया है, अगर आपने नहीं देखा हो तो वीडियो को आप जरूर देखिएगा, है ना। तो 2 साल का एक्सपीरियंस है वो, यानी कि 2 साल का अप्रेंटिस है आपका, जैसे कि अब फिटर का तो 2 साल का होता नहीं, इलेक्ट्रिशियन का भी 2 साल का होता है नहीं, है ना, जैसे कि मैं एक बात बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते थे यहां पर, तो एनएससी के साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन यहां पर एक और बात इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वालों विद्यार्थियों के लिए कि वैलिड लाइसेंस होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, वैलिड लाइसेंस होना चाहिए इलेक्ट्रिशियन, ओनली इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए, यानी कि ऐसा नहीं कि लाइसेंस है जिसका एक्सपायरी डेट निकल चुकी है, है ना, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, यही देखिए आपके पास होना चाहिए। फिर एक और क्वालिफिकेशन है किसके लिए, अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट वालों के लिए, क्या है कि आईटीआई होना चाहिए या एनएससी होना चाहिए, है ना, ये तो आपको पता है, आईटी होना चाहिए, एनएससी होना चाहिए। इसके साथ में आपका हायर सेकेंडरी, यानी कि अगर आपके पास ये नहीं है, यहां पर है ना और का मतलब होता है या, है ना, अगर ये ना हो तो ये होना चाहिए कि 12th पास आप हो और साथ में आपका केमिस्ट्री, है ना, केमिस्ट्री सब्जेक्ट, देख केमिस्ट्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए, और टोटल आपका जो 12th का सर्टिफिकेट हो उसमें एग्रीगेट मार्क्स यानी कि परसेंटेज कितना होना चाहिए, 50% आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत टफ सिचुएशन इन्होंने नहीं दे रखा कि आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। अगर वो नहीं है तो फिर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसका, ऑपरेटर ऑफ केमिकल, इसका किसका होना चाहिए, केमिकल का, कहने का मतलब यहां पर बोल रखा है ना अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, वही बात है जो मैंने ऊपर आपको बताया, ठीक है, आप इसको देखिएगा इस नोटिफिकेशन को टेलीग्राम पर। हाँ एक बात मैं और आपको कहना चाहूंगा कि सबसे पहले ना कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो मैं उसको कहां पर अपलोड करता हूं, उसको टेलीग्राम पर डालता हूं, ठीक है ना, तो आप वहां पर देखिएगा जरूर, टेलीग्राम को हमारा ज्वाइन करिए, टेलीग्राम का जो लिंक विंक होता है ना वो सब कुछ आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन, मोड ऑफ सिलेक्शन की इस प्रक्रिया को समझिएगा थोड़ा सा, क्या कह रहा है कि भैया सबसे पहले ना आपका रिटन टेस्ट लेंगे हम, क्या लेंगे, रिटन टेस्ट लेंगे, इसके बाद हम आपका सेकेंड में स्किल टेस्ट लेंगे, जो कि आजकल ना हर डिपार्टमेंट करा रही है, हर डिपार्टमेंट करा रही है। सिंपल सी बात है यार, अगर आपके घर में ना किसी भी मान लीजिए कि माली की ज़रूरत है तो आप ट्रायल लेंगे ना, आप ट्रायल लेंगे ना कि भाई फूल की कटिंग अच्छे से कर पाता है या नहीं, फिर नहीं कर पाता, ट्रायल तो लेंगे, ऐसा तो नहीं किसी भी अनाड़ी को आप अपने घर में ले लेंगे, है ना, सैलरी देना है उसे, ऐसे थोड़ी रखना है। तो स्किल टेस्ट बेसिकली वही होता है कि कंपनी वाले देखते हैं कि भैया आपने आईटी तो कर लिया, आपने सर्टिफिकेट दिखा दिया था, उन्हें मान लिया कि आपने आईटी किया है, बट स्किल टेस्ट में क्या पूछा जाता है कि भैया आप अगर इलेक्ट्रीशियन से हैं या फिर आप फिटर से हैं तो थोड़ा सा हमें दिखाइए कि आपको ये काम आती है, ताकि हम आपको फील्ड पे भेज सके और आप कुछ काम धाम वहां पर कर सके, है ना, इसलिए स्किल टेस्ट लिया जाता है, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई, है ना।
बस मोटी मोटी चीजें मैं आपको बताऊंगा, है ना, आप समझिएगा, बाकी तो आप बहुत समझदार हैं। यहां पर देखिए क्या बोला जा रहा है कि रिटन एग्जामिनेशन विल बी द हेल्ड फॉर द ड्यूरिंग, यानी कि डेढ़ घंटे का, कितना, डेढ़ घंटे का आपको यहां पर एग्जाम के लिए समय दिया जाएगा। दो पेपर होगा, एक ही दिन होगा, एक साथ होगा, यह भी याद रखना। पेपर फर्स्ट में मेरे भाई 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये 50 क्वेश्चन रहेंगे आपका जो वो होता है ना ट्रेड, फिटर है तो फिटर से, इलेक्ट्रिशियन है तो इलेक्ट्रिशियन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50। और पेपर जो सेकेंड है यहां पर 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे किसके, जनरल नॉलेज के या जनरल अवेयरनेस के, रीजनिंग के, न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैथ समझिएगा न्यूमेरिकल एबिलिटी को, और जनरल इंग्लिश भी यहाँ पर पूछी जा रही है ना। किसी भी प्रकार का नो निगेटिव मार्क, निगेटिव मार्क आपको, निगेटिव मार्क्स से डरना नहीं है, निगेटिव मार्क्स से घबराना नहीं है, है ना। निगेटिव मार्क्स भी देखिए कई बार धड़कने तेज हो जाती है ना, तो धड़कने यहाँ पर नॉर्मल रहने वाली है। गलत आंसर करते हैं तो कोई नंबर नहीं काटा जाएगा और हर क्वेश्चन के लिए एक नंबर आपको मिलेगा, है ना। तो 100 क्वेश्चन 100 नंबर, तो देखिए बहुत ज़्यादा इसमें कट ऑफ भी नहीं जाएगा, है ना, कब कट ऑफ में ही सिलेक्शन होगा, ठीक है, ये बातें हैं। फिर थोड़ा सा देखिए आगे ये सारी चीज़ें हो गई हैं, थोड़ा सा यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों कि पॉइंट नंबर 10 को देखिए कि रिटेन टेस्ट सेंटर आपको एग्ज़ाम के लिए कहाँ कहाँ ऑफर मिला है, कहाँ कहाँ आप इसको फॉर्म अप्लाई करते समय ही इसको करना है आपको, है ना, चूज करना है। मुंबई, भोपाल, विशाखापट्टनम, ये देखिए 3-4 है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। भुवनेश्वर है, नागा कोयल है, क्या नगर कोयल है, चेन्नई है, कोची है ना, यही 5-7 आपके लिए सेंटर दिया गया है, यहाँ यहाँ आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक ना, यहाँ में से कहीं पर भी आपका एग्ज़ाम होगा। आप फॉर्म अप्लाई करते समय इसको आप सिलेक्ट कीजिएगा, है ना, जहाँ सिलेक्ट करेंगे वहीं होगा। फिर आपको मैं बता दूँ, जब आपको सर्विस, देखिए सारी प्रक्रिया होने के बाद फिर आपका क्या होगा कि मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जो कि एक नॉर्मल होता है, सब कुछ वेट वगैरह आपका चेक किया जाएगा, ब्लड प्रेशर चेक किया जाएगा, कोई बीमारी तो नहीं है, ये सारी चीज़ें चेक की जाएंगी, है ना, जो कि हर जगह होता है, तो इतना इसमें घबराने की बात नहीं है, बहुत ही ईजी एग्जामिनेशन होता है, आप इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे, सिर्फ क्वालिफाई करना है इसमें, ऐसा तो है नहीं कि कोई आपको नंबर वंबर मिलेगा, है ना, तो ऐसा कुछ है नहीं, ये सिस्टम होता है इनका, बस इतना ही है इसमें और कुछ नहीं है। हाँ, एग्रीगेट बॉन्ड भी है यार, ये देखिए एग्रीमेंट बॉन्ड भी है यहाँ पर। और देखिए अगर आप ना, अगर आप अनरिजर्व ओबीसी कैंडिडेट्स हैं तो आपको 1,50,000 का बॉन्ड है, अगर 3 साल से पहले आप छोड़ देते हैं ना तो 1,50,000 यानी कि 1.5 लाख रुपये देना पड़ेगा। तो देखिए इसमें लगभग 30,000 रुपये सैलरी भी दो है, और इतनी सैलरी वाली जॉब कौन छोड़ेगा यार, मैं तो कहता हूँ ना कि अगर कोई भी जॉब, सरकारी जॉब मिले ना तो छोड़ना ही मत, है ना। हाँ, ट्राई करते रहना अलग फील्ड में, वो एक अलग बात है, वो आपका एक अलग ड्रीम हो सकता है, है ना, आपके अंदर एक अलग पोटेंशियल है कि नहीं मैं इससे भी हाई लेवल की जॉब कर सकता हूँ, इससे भी हाई लेवल की जॉब के लिए मैं तैयार हूँ, है ना, मैं क्वालिफाई कर सकता हूँ, तो वो एक अलग बात है, बट आप छोड़ना मत कभी, ठीक है। और अगर जो कैंडिडेट STSC EWS के हैं, जिसको रिजर्वेशन मिलता है, उनको 1 लाख, भैया 50,000 की उनको छूट मिला गया है, है ना। STSC वाले तो वैसे ही गरीब होते हैं, आपको पता है ना कि गरीब ही होते हैं यार, ST SC वाले तो बच्चे आजकल ऐसे हैं ना जो गिल्ली डंडा गुल्ली क्या क्या खेलते हैं, यही सब खेल के आजकल के मतलब कि टाइम बिता दे रहे हैं, उनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए इनको थोड़ा सा छूट मिला है, रहम किया है सरकार ने, सरकार क्या की है, कंपनी की है, ठीक है ना। यह चलिए ठीक है दोस्तों, बस यही है। फॉर्म अप्लाई करने का जो फीस है वो 500 रुपये है, जो कि नॉन रिफंडेबल है, कोई रिफंड नहीं होगा। और आपको यहाँ पर पेमेंट देखिए डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, इनके माध्यम से आप पेमेंट भी कर सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए मैंने आपको बोला था ना, तो ये देखिए इनका लिंक है, वेबसाइट है जो कि एक्टिव हो चुकी है, www.irel.co.in, है ना। आप गूगल पे जाइएगा, सर्च करना, आप इसको सर्च करिए, जैसे ही सर्च करेंगे ये सारा प्रोसेस दिया गया है, कैसे कैसे आपको करना है ना अप्लाई करने का। तो आप अप्लाई अगर चाहें तो खुद से कर सकते हैं, लेकिन मैं तो बोलूँगा 500 रुपये फीस है और 50 रुपये आप उसको दे दीजिए, ऑनलाइन वाले को दे दीजिएगा, वो ढंग से आपका फॉर्म अप्लाई कर देगा। खुद से फॉर्म अप्लाई आप तभी करना जब आपको अच्छे तरीके से फॉर्म अप्लाई करना आता हो, नहीं तो रिजेक्ट होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि फ़ोटो तो अपलोड करना होता है ना, फ़ोटो ही अपलोड नहीं होता, और किसी तरह से फ़ोटो अपलोड हो गया, मान लीजिए फ़ोटो में ब्लर आ गया,
क्लियर फोटो दिख नहीं रही है, आपने सिग्नेचर किया सिग्नेचर क्लियर नहीं दिख रही है, तो ऐसे केस में क्या होते हैं कि फॉर्म रिजेक्ट होने के चांस ज़्यादा रहते हैं ना। तो देखिए बेसिकली दोस्तों यही था आपके लिए इस फुल नोटिफिकेशन का फुल इन्फॉर्मेशन, हर चीज़ मैंने आपके साथ शेयर किया। इस डेट को आप जरूर याद रखना है ना, इस डेट को आप जरूर याद रखना, 23 से स्टार्ट हो चुकी है और 15 मार्च तक फॉर्म अप्लाई करने का लास्ट डेट है, ठीक है। अभी देखिए इलेक्शन आने वाली है ना, लेकिन हालांकि ITI का जो छोटे छोटे डिपार्टमेंट से वैकेंसी आती है, इलेक्शन से इसका कोई लेना देना नहीं है, इलेक्शन से लेना देना सिर्फ रेलवे को रहती है ना, रेलवे ही जो है वो इलेक्शन के हिसाब से चलती है, बट ये गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। और जिस प्रकार से उन्होंने अपना कैलेंडर जारी किया है ना, अगर उस कैलेंडर का रूल्स उन्होंने फॉलो कर लिया ना, तो हमारे आपके लिए बहुत ही बढ़िया है, फिर रेलवे भी अच्छी, रेलवे को भी हम अच्छी मानेंगे, है ना। तो यही था वीडियो का फुल सिनेरियो, वीडियो को शेयर जरूर करना मेरे भाई, थोड़ा सा चैनल को प्यार भी देना, चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट भी करना है ना, और कमेंट बॉक्स में एक दिल का इमोजी भेजते हुए ही इस वीडियो को छोड़ना है आपको, है ना। वीडियो को शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, है ना। चलिए दोस्तों अलविदा कहते हैं, मिलते हैं एक नया नोटिफिकेशन के साथ, क्योंकि इसरो की तरफ से भी एक नोटिफिकेशन आ चुकी है, मैं बहुत ही जल्द उसका भी आपको फुल वीडियो देने वाला हूँ, है ना। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए दिल से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।